आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम हाफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी हाफ स्लीव्स कट करनी है। जैसे हम सिंपल स्लीव्स कट करते हैं, लेंथ में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और चौड़ाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब मोहरी वाली साइड से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंचेस का निशान लगाएंगे। यहाँ से इसको हमें गोलाई देनी है। निशान से इसको अब हम कट करेंगे। सेंटर से भी हमें इसको ऊपर तक कट करना है। अभी देखिए, हमारे पास एक स्लीव के 2 पीस होंगे। अब स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इससे मैचिंग कोई भी फैब्रिक लेना है। बॉटम से मैच हम करके हम कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, और फैब्रिक की 2 लेयर्स हैं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। स्लीव की एक साइड को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और बाहर की तरफ हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, स्लीव की ऊपर की तरफ राइट साइड है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। जो निशान लगाया है वहाँ से भी हमें फैब्रिक को कट करना है। देखिए, आप बाहर वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगानी है। देखिए, अब स्लीव को हम ऊपर की तरफ रखते हुए कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। इसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग 1 इंच है। ये पट्टी हम कुछ इस तरह से कट करेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ हम कट भी लगाएंगे। अब हमें स्लीव की दूसरी साइड लेनी है और इसी तरह से एक गोलाई में पट्टी कट करेंगे। देखिए, मैंने दूसरी तरफ की पट्टी भी कट कर ली है और इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड की पट्टी को भी हमें इसी तरह से सीधा करके उसके ऊपर प्रेस करनी है। देखिए, मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर प्रेस कर ली है। अब हम इस पट्टी को उल्टा करेंगे और स्लीव की ऊपर की तरफ राइट साइड ही रहेगी। पट्टी के ऊपर हम आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई जो हम रेडी रखेंगे वो आधा इंच ही रखेंगे। उसके बाद देखिए पट्टी को किस तरह से रखना है। पट्टी को सिंपली राइट साइड मिलाना है इस तरह से। अब पट्टी को हमें बिल्कुल भी पुल नहीं करना है, बिल्कुल गोलाई में गोलाई के साथ मिलाते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। पट्टी की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब इस सिलाई को हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ये कुछ इस तरह से शेप में आएगा। दूसरी तरफ भी हमें पट्टी को इसी तरीके से स्टिच करना है। स्लीव की राइट साइड ऊपर की तरफ और पट्टी की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। देखिए, दोनों तरफ हमने पट्टी अटैच कर ली है और रॉन्ग साइड आप देख सकते हैं मैंने इसको इंटरलॉक भी कर लिया है जॉइंट के ऊपर। और अब इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे और इनके ऊपर हमें अटैच करने हैं बटन नीडल की हेल्प से। यहाँ से हम सिलाई लगाकर दोनों को स्टिच करेंगे। उसके बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन बन के एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए, मैंने स्लीव्स कुर्ती के साथ अटैच कर ली है और ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।